हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं, वोटर आईडी कार्ड में कोई भी मिस्टेक हो गया, जैसे डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम या कोई भी एड्रेस वगैरह, तो उसको आप कैसे सुधार कर सकते हैं ऑनलाइन। आप घर बैठे खुद से जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सुधार के लिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सारी जानकारी को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, और एक जो है मैं लाइव एक फॉर्म अप्लाई करके बताऊंगा। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको जो है कितने दिन में सुधार करके आपके घर पे जो है वोटर आईडी कार्ड स्मार्ट वाला जो है आ जाता है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डियर हेल्पिंग फॉरएवर यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर ही बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वोटर आईडी कार्ड सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा nvsp.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जो है भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आने के बाद से कुछ इस प्रकार से ये पोर्टल है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है या रजिस्टर करना होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक और जो है पोर्टल जारी किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है, अगर आप आसाम से हैं, बिहार से हैं, गोवा से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो प्लीज आप जो इस वेबसाइट से फॉर्म को सबमिट करिए। तो हम इसके माध्यम से बताएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पोर्टल को जो है आप लोगों को कई बार आ चुका हूं कैसे आवेदन करते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये नए वाले पोर्टल के साथ हम आपको बताने वाले, तो नए वाला पोर्टल ये है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फॉर्म 6 से आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। करेक्शन करना है तो 8 आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म 8 आपको भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, शिफ्टिंग या रिप्लेसमेंट ऑफ ईपिक, ये सारे ऑप्शन है। ईपिक डाउनलोड करने का तरीका हम बाद में समझेंगे, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे आपको करेक्शन करना। अगर आपको नया जो है वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला रहा है कि आपको लॉगिन करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए। अगर आप पहली बार यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो है क्या करेंगे, रजिस्टर करिए। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको जो है एक मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड भर के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके उस मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे इंटर करना है ओटीपी को, और यहाँ पे वैलिडेट करना है। जैसे ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक आ रहा है कि आई हैव ईपिक नंबर, एक आ रहा है कि आई डोंट हैव ईपिक नंबर। तो फ्रेंड्स, आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी ईपिक नंबर तो होगा ही होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मेरे पास एक ईपिक नंबर है। आप क्या करेंगे, ईपिक नंबर को यहाँ लिखेंगे, एक ईमेल एड्रेस को लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, तो 6 कैरेक्टर कम से कम जो है होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, कम से कम 6 होना चाहिए। 0 से 9 का बीच आप यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और ए से जेड भी आप इसको यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ये पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि इन द फ्यूचर भी काम आ सकता है लॉग इन करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, और यहाँ पे आपको लॉग इन पेज पे आ जाता है। आपको देखिए यहाँ पे लॉग इन नहीं करना है, आपको लॉग इन कहाँ करना है, तो अगेन इस पे करना है। देखिए इसका इंटरफेस अलग है और इसका इंटरफेस अलग है। कहां से मैं यहां पे आया हूं, देखिए फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट है जहां से बोला गया कि असम, बिहार, गोवा के लिए आप इस वेबसाइट पे आइए, आप इस पे आएंगे। यहां से हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है। अब यहीं पे देखिए लॉगिन का बटन है, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहां पे वो वाला मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर, दोनों में से कोई ऑप्शन लिखेंगे, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहां लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को भर के लॉगिन करेंगे। जैसे आप यहां पे लॉगिन करेंगे, आप जो है लॉगिन हो जाएंगे, और यहां पे देखिए आपको जो है इस तरह से फॉर्म और ट्रैक का एप्लीकेशन स्टेटस मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉग आउट का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी आप समझिए लॉगिन हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉगिन नहीं हुए रहते तो यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखाता, लेकिन मेरे केस में नहीं दिखा रहा है। हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे फॉर्म 8 अब आपको भरना है। यहाँ पे देखिए फॉर्म 8 भरने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फॉर्म वाला जो ये बना हुआ है कोठा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है फॉर्म 8 आपको क्लिक करना है। फॉर्म 8 जैसे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ आपको क्लिक कर देना है। ये आपका ईपिक नंबर ऑलरेडी पहले से आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया है। अब हम यहाँ सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है इसमें, मतलब आपको शिफ्टिंग कर रहे हैं या करेक्शन फॉर इंट्रीज इन एग्जिस्टिंग, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत है उसके अंदर उसको, या इशू ऑफ रिप्लेसमेंट, अगर आपको इशू है रिप्लेसमेंट के लिए ईपिक में, रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के लिए आपको फॉर्म भरना है। तो मेरे को तो एंट्रीज में कुछ मिस्टेक है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो हम 2 नंबर चूज करेंगे। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करते ही आपसे पूछ रहा है द बिलो मेंशन एड्रेस इज एसोसिएटेड विद ईपिक, आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जो है आपको यहाँ पे 5 स्टेप में फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए सारे फॉर्म खुल के आ रहे हैं, आपकी जानकारी कुछ यहाँ पे शो होगी जो ऑलरेडी ईपिक पे है। अब आपको नीचे आना है।
अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि आप अपना जो है क्या करेक्शन करना चाहते हैं। तो जो भी करेक्शन करना है उसको आप टिक कर देंगे। यहाँ पे जो है हमको दो ही चीज करेक्शन करना है, नेम और फोटो में, तो हम दोनों को टिक करेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ भी, जेंडर काफी सारे लोगों का गलत हो जाता है, ये सब चीजें जो है गलत हो जाती है, रिलेशन वगैरह, एड्रेस वगैरह, तो वो सब हम यहाँ पे करेक्शन करेंगे। तो बॉक्सेस बनते जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्सेस बन रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि द करेक्ट पार्टिकुलर्स इन द एंट्री। अब आपको बताना है कि आपको क्या है करेक्ट चीजें। तो यहाँ पे करेक्ट चीजों को यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे सरनेम लिख देंगे, उसके वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में आएगा, ठीक है ना। पूछ रहा है यू हैव फिल द इन फॉर्म सेम इन गोइंग इन द प्रिंट ऑन द ईपिक, डू यू वांट टू प्रोसेस। यहाँ पे नो कर देते हैं, मतलब वो बोल रहा है कि फिर उसी तरह से लिखिए। हम क्या करते हैं, लिखते हैं और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक हिंदी में आएगा। फिर यहाँ पे चूज फोटोग्राफ, क्योंकि मैंने फोटो चूज किया तो फोटोग्राफ भी यहाँ पे हमको एंट्री करना होगा, तो ये चीज हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे फोटोग्राफ एंट्री, मतलब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ चूज करना है, 2 MB से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पूछ रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप क्या देना चाहते हैं। तो इसमें से देखिए काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे मान लीजिए हम दावा करने की, देखिए मेरा ये जो वोटर आईडी कार्ड में नाम है गलत है, तो उसके सपोर्टिंग में आपको कुछ तो देना होगा ना कि देखिए यहाँ पे मेरा सही है यहाँ पे गलत है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी एक जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, काफी सारे ऑप्शंस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे और उस प्रूफ को यहाँ पे आपको जो है चूज करके क्या करना है, अपलोड करना है। इसके बाद आपको जो है नीचे आना है, यहाँ पे आपको जो है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके देखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करना है। तो फ्रेंड्स जो जानकारी हमको सुधार करना है वो जानकारी हम यहाँ पे जो है दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। और आधार नंबर भी आपको जरूर यहाँ पे अटैच कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आप आ जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको क्या क्या सुधार करना है वो जानकारी मैंने यहाँ पे दे दिया। देखिए यहाँ पे मैंने नेम और फोटो को सुधारा है, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, फोटो भी मैंने लगा दिया है, और जो नाम सुधारना है वो जानकारी यहाँ पे लिख दिया कि क्या सही वाला नाम है मेरा, ठीक है। उसके वजह से यहाँ पे मैंने जो है उसके उपलब्ध में कोई जो है उपलक्ष्य में यहाँ पे मैंने एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दिया हुआ है, आधार कार्ड, आधार कार्ड का फोटो को भी लगा दिया। अब यहाँ करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही अब आपको यहाँ पे प्लेस लिख देना है कि आप कहाँ से जो है ये फॉर्म को भर रहे हैं। डेट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए तीनों जो है टिक हो चुका है। आप इसे अगेन नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करते ही कैप्चा कोड को बोलेगा भरने के लिए, आप इस कैप्चा कोड को भरेंगे जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप इजिली कर सकते हैं। उसकी वजह से हम यहाँ पे जो है प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही है कि नहीं है, उसको सेव करेंगे। तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस प्रकार से प्रीव्यू खुल के आया हुआ है, और हम इसे अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे कि जो भी चीज है वो सही है कि नहीं है। और अगर आपको एडिट करना है तो एडिट करिएगा, नहीं एडिट करना है तो सबमिट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ करते हैं सबमिट। मैंने सभी चीजों को वेरीफाई कर लिया है, अब यहाँ करेंगे सबमिट। सबमिट करते हैं, पूछ रहे डू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, यस करेंगे। यस करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है। और आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जो है मिल जाता है, आप इस रेफरेंस नंबर को जो है नोट कर लेंगे। यहाँ से आप प्रिंट डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप साइबर कैफे हैं तो किसी को प्रूफ के तौर पे देना होगा, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम इस रेफरेंस नंबर को नोट कर लेते हैं और यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। अब आपको फ्रेंड्स ओके करेंगे तो यहाँ पे आप होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके जो है रेफरेंस नंबर जो आपको मिला था वो आप लिखेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे शो होगा कि आपका जो है फॉर्म कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा देगा कि आपने सबमिट कर दिया, ये BLO को असाइन होगा, फिर आपको फील्ड वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका हियरिंग होगा, फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, काफी लोग ऑनलाइन करके छोड़ देते हैं। जब आप ऑनलाइन कर देते हैं और छोड़ देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म भी सबमिट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स इसके लिए आपको हियरिंग भी हो लग जाती है कि आप क्यों सुधरवाना चाहते हैं, आप हियरिंग में आइए एक बार। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने BLO से एक बार कॉन्टेक्ट करिए कि मैंने फॉर्म ऑनलाइन कर दिया हुआ है, उनके जो है पैनल पे चला गया होगा, वो सही से वेरीफाई करके आगे जो सभी चीजों को कर देंगे तो इजिली जो है आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑटोमेटिक भी क्लियर हो जाता है, लेकिन हियरिंग होगा तो आपको मेल आता है, SMS आता है, या आपको फोन भी आ सकता है। तो आप जो है अपने मेल और SMS को जरूर चेक करते रहेंगे। हियरिंग लगेगा तो आपको हियरिंग के समय जाना भी पड़ सकता है आपके अपने ही ब्लॉक में या अनुमंडल में जहां पे इसका मतदाता का जो ऑफिस है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करेक्शन करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डियर सेल्फिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।